कालू की धानी की तरफ खुलने वाले केंद्रीय विद्यालय के प्रथम गेट का विवाद बुधवार को देखने को मिला। पूर्व पार्षद के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने स्कूल के गेट के बाहर इकट्ठा होकर विरोध जाहिर किया। बुधवार को पूर्व पार्षद जेके शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्रवासी केंद्रीय विद्यालय के प्रथम गेट पर इकट्ठा हुए और स्कूल के गेट को बंद करने की मांग की गई। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ आईजी विक्रम सहगल, डीआईजी अजय मिश्रा, एडिशनल एसपी विकास सांगवान, सीओ ट्रैफिक शमशेर खां सहित अलवर गेट थाना अधिकारी और जाब्ता मौके पर पहुंचा और क्षेत्रवासियों से समझाइश की गई। इससे पहले सीआरपीएफ आईजी विक्रम सहगल ने किस तरह व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके इसे लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए आईजी विक्रम सहगल ने बताया कि स्कूल लंबे समय से संचालित है और गेट भी बना हुआ था, लेकिन बच्चों की संख्या अधिक होने से समस्याएं आ रही थी। ऐसे में सभी वैन चालक और स्कूल के आने वाले अभिभावकों को स्कूल परिसर में ही वाहन खड़े करने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जाम की स्थिति ना हो और व्यवस्थाएं सुचारू हो सके। आईजी ने क्षेत्रवासियों से भी सहयोग करने की अपील की है। सर, कुछ समस्या आ रही थी कॉलोनी वासियों को गेट को लेकर, आपने किस तरह की व्यवस्था की है और क्या समझाइश की है? देखिए, पहली बात तो किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं थी, सिर्फ थोड़ी व्यवस्था चाहिए थी जो कि पहले नहीं थी। आज हमने यहाँ पर आके डीएसपी ट्रैफिक के साथ, एसपी साहब के साथ मिलके, एसएचओ साहब के साथ मिलके सुबह यहाँ पर स्कूल के अंदर जितनी भी वैन्स आ रही हैं, जितने भी ऑटोज आ रहे हैं, उनको खड़े करने के लिए व्यवस्था कर दी। वो सभी वैन्स जो हैं 5-6 मिनट के अंदर बिना किसी ट्रैफिक जैम के अंदर पहुंच गई, उनको वहां खड़ा कर दिया गया, बच्चों को उतार दिया गया। जब सारे ऑटोज और वैन्स आ गए, उसके बाद हमने उनको एक एक करके छोड़ दिया और 5-6 मिनट में वो निकल गए। यही एक्सपेरिमेंट शाम को, अभी दोपहर को किया गया है और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जो है ऑटो आए हैं, ऑटो चले गए, किसी प्रकार का कोई जैम नहीं है। पहले उनके अंदर खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए परेशानी आ रही थी, बाकी कोई समस्या नहीं। अभी समझाइश की आपने, उसके बाद समझे हैं? देखिए, हमारा काम है कि उनको सहयोग करना, जो सोल्यूशन हम दे सकते थे सबसे बढ़िया, पुलिस के साथ कंसल्ट करके, ट्रैफिक के साथ कंसल्ट करके और उनके पार्षद के साथ कंसल्ट करके हमने उनको दे दी है। थोड़ा सा सहयोग उनकी तरफ से हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कोई समस्या। थैंक यू। सर, डीआईजी आईजी साहब खुद आए यहाँ पर समझाइश के लिए, इस तरह की समझाइश रही और आपका आगे का कदम क्या रहे? देखिए, आईजी साहब ने एक सकारात्मक पहल करने की कोशिश की है। उन्होंने पैदल और साइकिल वाले जो बच्चे, उनको 3 नंबर गेट से निकालने के लिए कहा है। वैन ऑटो हैं, उनको व्यवस्थित अंदर इकट्ठे होंगे, उसके बाद एक साथ ही बाहर निकलेंगे, जिससे जाम की परेशानी नहीं हो। तीसरा, जो एग्ज़ाम के अंदर बच्चे आएंगे, वो प्रशासन अपने स्तर पे 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर पे जो भी व्यवस्था करेगा वो व्यवस्था करेगा। प्रयास सकारात्मक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आज आईजी साहब आए हुए हैं, डीआईजी साहब हैं, इतना प्रशासन लगा हुआ है, तो एक व्यवस्था सुचारू रूप से आती हुई दिख रही है। लेकिन ये एक सप्ते बाद क्या रहेगी, इस पे विचाराधीन है। एक सप्ते तक हम देखेंगे क्या रहता है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। इसका एक समाधान है।